Students, we have read about the two houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, now we are going to read about Lok Sabha. Okay, Lok Sabha, as the name shows, it is the Sabha or it is the house of people. ठीक है, इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं या लोकसभा, लोगों की सभा. ओके, इन मीनिंग, वर्बल मीनिंग में हम इसको लोगों की सभा भी कह सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल. एंड हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन लोकसभा? सो इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 550 मेम्बर्स. इसके मैक्सिमम मेम्बर्स कितने हो सकते हैं? 550. ओके, एंड ईच मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर मेंबर एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विन करते हैं. ओके, 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. जो 530 मेंबर्स हैं उनमें से 550 मेंबर्स हैं उनमें से 530 मेंबर्स अलग अलग स्टेट में से डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय अस. ठीक है, हम लोग जो कॉमन पर्सन्स हैं, कॉमन पब्लिक है, वो हम में से ही जो एक्टिव पर्सन्स हैं, जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से किसी को विन करते हैं और इलेक्ट करके उसे लोकसभा का मेंबर अपॉइंट करते हैं. ओके, एंड 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज. 530 मेंबर्स तो स्टेट से इलेक्ट हुए एंड 20 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज. टोटल कितने हुए? द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 550 मेंबर्स. ओके, हमने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया है कि टोटल मेंबर 550 होते हैं. ठीक, तो 530 मेंबर्स स्टेट से और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं. क्लियर? द कैंडिडेट विद हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. जिस कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, राइट, अलग अलग पार्टी से अलग अलग पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में और हम अपने चॉइस के पर्सन को वोट करते हैं. ठीक है, तो जो पर्सन सबसे ज़्यादा वोट्स गेन करता है, जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, वो पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर डिक्लेयर किया जाता है और ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मींस एमपी. उसे हम क्या कॉल करते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है वो उस पर्टिकुलर एरिया से. ओके, एंड प्रेसिडेंट हैज आल्सो पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स फॉर द लोकसभा. प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर होती है कि वो लोकसभा के लिए मेंबर्स नॉमिनेट कर सके. ही कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से दो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं. व्हाई ही डज दैट? वो इसलिए ये वर्क करते हैं क्योंकि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, अगर उसे इलेक्शंस में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना मिले, ठीक है, यानी कि उस कम्युनिटी से कोई भी पर्सन विनर ना हो, ना जीत सके, तो प्रेसिडेंट टू मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में. ओके, एंड नाउ दीज डेज वुमेन ऑल्सो डिमांड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट. जो वुमेन हैं वो पार्लियामेंट में अपने लिए सीट्स रिजर्व करने की डिमांड कर रही हैं. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट दे आर मेकिंग द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, वो हाफ पॉपुलेशन कंस्ट्रक्ट कर रही हैं इंडिया की और उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है. ओके, दे गेट ओनली अ फ्यू सीट्स इन द पार्लियामेंट. वो पार्लियामेंट में बहुत कम सीट्स उनको मिल रही है और दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेटिव. नाम की सिर्फ एक फ्यू सीट्स, ठीक है, नाम के लिए उनकी रिप्रेजेंटेशन है.
सो दैट इज़ द रीज़न कि दे वॉन्टेड रिजर्वेशन इन बोथ द हाउसेज. वो अपने लिए सीट्स रिजर्व करवाना चाह रही हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी. एज आई हैव डिस्कस्ड दैट द पर्टिकुलर एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया जिसको एक स्टेट को और हमारी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल एरियाज में ताकि वहाँ से मेंबर्स इलेक्ट किए जा सकें. ओके, सो इन आर कंट्री वी हैव 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हमारे पास टोटल 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें से मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे पास यूपी की, दैट इज़ 80 मेंबर्स यूपी के हैं. एंड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम हरियाणा 10 मेंबर्स यानी कि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 10 मेंबर्स एमपी बनते हैं और पंजाब से 13 मेंबर्स. ओके, तो ये डिफरेंट मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं. क्लियर. नाउ व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. द मेन क्वालिफिकेशन इज दैट ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया में रहने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि ब्रिटेन से या यूएसए से कनाडा से कोई भी आए और यहाँ पर आकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें. नो, ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया का सिटीजन होना कंपल्सरी है. ओके, एंड सेकेंड इज ही और शी मस्ट हैव कम्प्लीटेड 25 ईयर्स. वो एटलीस्ट 25 ईयर्स का होना चाहिए, कम से कम 25 ईयर्स और अबव 25 ईयर्स नो मैटर. ओके, हिज और हर नेम मस्ट बी इन वोटर लिस्ट. उनका नेम वोटर लिस्ट में होना भी कंपल्सरी है. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि उनका नेम वोटर लिस्ट में हो. अगर वोटर लिस्ट में है तभी वो वोटिंग कर पाएंगे और अगर वो वोटिंग कर पा रहे हैं तभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. ओके, ही और शी मस्ट पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. और वो सभी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो पार्लियामेंट ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन के लिए कंपलसरी की हैं. वो सभी क्वालिफिकेशन उस पर्सन के पास होनी चाहिए. ओके, एंड द लास्ट दैट ही और शी शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट. वो किसी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो. क्लियर, अगर वो गवर्नमेंट जॉब पर है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा. ओके, दीज आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, एक पर्सन को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टेनर. टेनर मीन्स टाइम पीरियड कि हम लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव अगर इलेक्ट करते हैं तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए हैं, फॉर हाउ लॉन्ग दे रूल. ओके, सो द नॉर्मल टेनर इज़ 5 ईयर. उनका जो एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है. ओके, बट द प्रेजिडेंट कैन डिजॉल्व इट अर्लियर. बट प्रेजिडेंट उसे पहले भी ख़त्म कर सकता है, हटा सकता है, डिजॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को. बट जो डिजॉल्व करने की रिकमेंडेशन है इट मस्ट बी गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ने दी हो. इट मींस अगर प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि अब लोकसभा को डिजॉल्व कर देना चाहिए, लोकसभा में प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है या कोई और रीज़न देकर, तो प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है कि वो लोकसभा को टाइम से पहले ही डिजॉल्व कर दें. ओके, अब हमने टू थिंग्स रिवाइज की कि 5 ईयर्स का नॉर्मल टर्म है इनका और प्रेसिडेंट इनकी टर्म से पहले भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं. ओके, नाउ द अदर थिंग कि इनका टेनर, इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है.
द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ वन ईयर एट अ टाइम, एक टाइम में एक साल के लिए इनका टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है इफ सच अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर ऐसा कोई बिल या ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट से पास हो जाता है फॉर एमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आजकल चाइना और पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी, और अगर इन प्रेजेंट टाइम अगर इलेक्शंस होने हों तो वो इलेक्शंस कैंसिल करके वन ईयर के लिए, ओनली फॉर वन ईयर हम लोकसभा का टेनर इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम एक साल के लिए लोकसभा का टेनर एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। और इसे बेटा ध्यान से वीडियो को सुनना है और ध्यान से पढ़ना है आपको, बी अटेंटिव एंड वॉच द वीडियोस केयरफुली एंड रीड योर चैप्टर प्रॉपरली थोरोली, अच्छे से आप पढ़ेंगे ओनली देन यू कैन गेट द टॉपिक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।